दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है लिंडे इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी ऑक्सीजन बनाने का काम करती है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं आफ्टर कोविड इसमें बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिली। ये लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है, इसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये लगातार हायर हाइज पैटर्न बनाती हुई ऊपर बढ़ती चली जा रही है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कंपनी का पूरा नाम है लिंडे इंडिया लिमिटेड। 9,145 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंटरडे में इसने 8.67% की क्लोजिंग दी है। इसका मार्केट कैप 77,947 करोड़ का है। स्टॉक पी थोड़ा हाई है 183 करोड़। आरओसी की वैल्यू 17.6% एंड आरओई की वैल्यू 13% की है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 3,926 का लो था और 9,935 का इसने हाई लगाया था। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो लिंडे इंडिया बीओसी ग्रुप की ही एक सब्सिडरी है जिसका मुख्य काम इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस बनाना है। ये मोस्टली ऑक्सीजन गैस के निर्माण में काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कोविड-19 के बाद से इसमें बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 66.6% की रेट से बढ़ा है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 22.7 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करते हैं इसमें आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हुआ, SRF, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड टाटा केमिकल्स जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां हैं जो केमिकल सेक्टर में ही काम करती हैं। लिंडे के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 441 करोड़ का था, मार्च 2022 में 534 करोड़, मार्च 2023 में 630 करोड़ और मार्च 2024 में 630 करोड़ का सेल्स ग्रोथ रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 303 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 64 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 99 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 104 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो जहां सेल्स ग्रोथ दिसंबर 2012 में 1324 करोड़ का था, दिसंबर 2016 में 1825 करोड़ का, दिसंबर 2020 में 1471 करोड़ और मार्च 2024 में 2769 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 89 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2016 में 13 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2020 में 156 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में बंपर 426 करोड़ का बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। तो देखा जाए तो नेट प्रॉफिट हो या सेल्स ग्रोथ हो कंपनी एक अच्छी रफ्तार से ग्रो करती चली जा रही है। इसके अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 38% की रेट से, पिछले 5 सालों में 75% की रेट से, पिछले 3 सालों में 79% की रेट से और पिछले 1 साल में तो बहुत ही बेहतरीन 131% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है जो कि इंडेक्स से काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न होता है। इसके अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां दिसंबर 2012 में 1099 करोड़ का उधार था, दिसंबर 2016 में 1445 करोड़ का, दिसंबर 2020 में घटकर सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का रह गया और मार्च 2024 में कुल मात्र 21 करोड़ का और उधार बचा है। वहीं पर टोटल असेट की बात करते हैं तो जहां दिसंबर 2012 में 3414 करोड़ का असेट था, दिसंबर 2016 में 3563 करोड़, दिसंबर 2020 में 3259 करोड़ और मार्च 2024 में 4780 करोड़ का बहुत ही अच्छा असेट भी है कंपनी के पास, जिसकी तुलना में अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 75% थी, मार्च 2024 में भी 75% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर ना तो बेचा है और ना ही खरीदा है। FIIs की बात करें तो 1.55% से बढ़कर 2.31% हो चुके हैं जो कि अच्छी बात है। DIIs की बात करें तो 10.47 से घटकर 7.45% पर आ चुके हैं और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 12.98% से बढ़कर 15.23% तक हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम लिंडे इंडिया की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे, 2 न्यूट्रल और 3 निगेटिव, जिसमें से कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है उसमें भी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है और रेवेन्यू लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ रहा है, आरओई की बात करें तो पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है, शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल इनका अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होती जा रही है। फिर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 90 दिनों में प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर न तो बेचा है और ना ही खरीदा है। अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो उसमें थोड़ी सी स्पीड कम हुई है, बाकी मार्जिन जो है वो थोड़ा बहुत
वोलाटाइल है, अनस्टेबल रहता है। लिंडे इंडिया के अगर मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल गैसेस में इसका 12% का मार्केट शेयर है। वहीं पर अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विफाइड और कंप्रेस्ड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस 64% एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स अराउंड 35%। इनके प्रोडक्ट की गैसेस में अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो एयर सप्रेशन यूनिट गैसेस 60%, वेसल्स प्लांट्स एंड अदर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट गुड्स मोर देन 29%, अदर सिलेंडर गैस अराउंड 10%। साथ ही अगर हम इसके लोकेशन वाइज बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स में तो इंडिया से मोर देन 91% का बिजनेस होता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9% का। और वहीं अगर टोटल में लोकेशन की बात करें तो इंडिया से लगभग 98% से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो गैसेस के बिजनेस से अराउंड 80% का प्रॉफिट आता है एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से अराउंड 20% का। सेगमेंट वाइज अगर हम इनके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो गैसेस में मोर देन 57%, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मोर देन 10%, अराउंड 30% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। इसके चार्ट को हमने पहले भी देख लिया है क्या बेहतरीन इसका चार्ट पैटर्न है। तो अब अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो अभी जो हाल में इसका जो सबसे करीबी टारगेट लग रहा है वो 10,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद सबसे पहले ये 12,000 वाले लेवल को टच करेगा। और अगर यहाँ भी रुक कर प्राइस एक्शन बनाता है तो ये जल्दी 14,000 वाले लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप बने रहिए, लेकिन इस लेवल पर बाई करने की मेरी कोई भी राय नहीं है। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने खुद से एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।